हम हंसते हंसते हम बैठ नहीं सके वहां, कि तुझको लड़की से शादी करना है, एक लड़की के माँ बाप से करना है, बात क्या है? महाराज जी, अब उनका लड़का चूंकि आईसीएस का बेटा, और उस जमाने में वो टी स्टेट का मैनेजर था आसाम में, बड़ी पे थी उसकी, उस शान के मारे लड़के की शक्ल सूरत तो बहुत ही खराब थी, लेकिन ये सब पोस्ट और ये पैसा बहुत कुछ महत्व रखता है। तो हमने कहा भाई देखो, ऐसा है कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को किसी से शादी करने की राय पूरे जीवन नहीं दूंगा। और क्यों बता दूं? इसलिए कि कोई भी शादी होने के बाद, एक साल, दो साल, चार साल के बाद जो आपस में लड़ाई, झगड़ा और अशांति और टेंशन होता है, अगर मैं कह दूं इससे कर लो तुम शादी, तो महाराज जी आप ही ने कराए। अपनी गलती कोई नहीं मानता, दूसरे को ही सब दोष देते हैं, पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को, ये संसार का नेचर है। और ऐसा कोई महापुरुष तो मिलेगा नहीं, पति और बीबी अगर दोनों महापुरुष हो तो ठीक है, फिर तो शादी कर लो, दस कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन मायाबद्ध तो लड़े झगड़े का सब कुछ होगा उसके घर में, और वो जिसने शादी कराने की राय दी है उसी पर हमला होगा। तो खैर, मैं ये बता रहा हूं कि संसार में बड़ी इंक्वायरी के बाद आप एक गंदी शरीर वाली लड़की देते हैं, लड़की लाते हैं, बड़ी इंक्वायरी के बाद। लड़की वाला लड़के की इंक्वायरी करता है, लड़के वाला लड़की की, और हम अपना अनंत काल का पाप पुण्य समर्पित करके परमानंद चाहते हैं। जिनसे, जिनकी भक्ति करना चाहते हैं, वो कौन है, क्या है, ये महात्म्य समझना चाहिए। जितना अधिक महात्म्य समझेंगे उतना जल्दी प्यार होगा। देखो, किसी के पास अंगूठी है हीरे की, लेकिन एक गरीब आदमी है, हमने देखा कांच वाच की होगी रोज देखते हैं, तो झाड़ू बहाड़ू करती है ना, उसके अंगूठी पहने रहती है। अब किसी जौहरी ने भी देख लिया उसको, उसने कहा इधर आना, ये अंगूठी कहाँ खरीदा? खरीदा नहीं बाबूजी, झाड़ू लगा रही थी, मिली थी तो हमने हाथ में डाल लिया। क्यों? जानती है कितने कीमती है? कितना है? ये 50 लाख की है। 50 लाख? वो 1000 की नौकरी करने वाली, झाड़ू लगाने वाली सड़क पर 50 लाख के नाम सुनकर के ही सन्न रह गई। और अब उसका प्यार उस अंगूठी के प्रति, फौरन भागी भागी घर गई, अपने पति को बताया और कहा इसको बेचना चाहिए, और कोठी खरीदेंगे और कार खरीदेंगे, हेलो, सातवें आसमान पर पहुंच गई। ऐसे ही हम अपने इष्टदेव, अपने सेव्य, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना अधिक महत्व उनका समझेंगे, उतना अधिक और जल्दी प्यार होगा। वो आवश्यक है, लेकिन आज नहीं, कल।
बोलिए लाडली लाल की।